दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि ऑलरेडी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो स्मार्टफोन है इनकी जो लॉन्च डेट है वो 100% ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हुए, क्या डिटेल है, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस पॉइंट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करें सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, सबसे पहला जो स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ है वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD। ये जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स का एक सस्ता 4G स्मार्टफोन है जिसकी जो प्राइस है वो 5,999 रुपए निकल करके आई है। स्मार्टफोन फ्रंट के साइड से काफी ठीक ठाक से दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है। 6.6 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। साथ में यहां पर अगर बात करो स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको एक बजट 4G प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 2GB रैम 64GB स्टोरेज है। 8 MP का प्लस AI लेंस यानी डुअल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड्रॉइड गो पे ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च किया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है आपको 6000 रुपए के स्मार्टफोन में और 5000 mAh की बैटरी है। तो इन सभी फीचर्स के साथ में जो स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो चुका है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। अगर आपको लेना है तो इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। अगला जो स्मार्टफोन है वो निकल करके आने वाला है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F23 Pro 5G। ये जो स्मार्टफोन है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। 15 May को ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6.72 इंचेस की एक FHD प्लस LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगी। यहां पर Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर दिया गया है। 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा है। 32 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए। 5000 mAh की बैटरी, 67 W का चार्जर है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग यहां पर 25,000 रुपए के करीब जाने वाले। तो ओप्पो का स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस है और अगर इंडिया में लाते हैं तो 15,000 से 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होगा। देखते हैं क्या प्राइस निकल करके आती है। अगला जो स्मार्टफोन है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 30 Play। ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर एक मिड रेंज सीरीज का स्मार्टफोन है। इसमें आपको फ्रंट के साइड में एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है। रियर पैनल पे आपको डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ में अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में यहां पर अगर बात करो स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में तो 6.82 इंचेस की आपको एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। साथ में 16 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन जो है वो अभी नाइजीरियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया गया है और नाइजीरिया की प्राइस को अगर हम इंडिया प्राइस से कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 14,000 रुपए से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो निकल करके आती है। अगला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में फ्लिपकार्ट पे। ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होगा पोको की तरफ से, पोको F5 5G। ये स्मार्टफोन 9 May को लॉन्च होने वाला है। अब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो लॉन्च होने से पहले ही निकल करके आ चुकी है। स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाली विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। Qualcomm Snapdragon 7 Plus Zen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8GB रैम और 12GB रैम ये दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। 64 MP का OIS बेस्ड कैमरा आपको देखने को मिलता है। 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। एंड्रॉइड 13 पे ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, 67 W का चार्जर। स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो लगभग 28,000 से 29,000 रुपए के बीच में होने वाले स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट के लिए। तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अब देखते हैं एक्चुअल प्राइस क्या निकल कर क्या आती है। तो ये कुछ स्मार्टफोन दोस्तों जो कि ऑलरेडी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, कुछ जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है सभी स्मार्टफोन्स के बारे में? आप इसमें से कौन से स्मार्टफोन का इंडिया में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे हैं? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।